शरीर यदि मानव का है और मानव का शरीर यदि मानव का है और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम हम नहीं ले पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। शुमापुराण की कथा कहती है विचार और व्यवहार। ये अच्छा रखिए, विचार और व्यवहार। अपने भीतर जितने विचार उत्पन्न होते हैं, अपने भीतर जितने विचार आते हैं, अगर ये विचार आपके अच्छे हैं तो आपको परमात्मा से कोई दूर नहीं कर सकता, आप परमात्मा के करीब में पहुंच ही जाएंगे। और यदि आपका व्यवहार अच्छा, आप अगर अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार है यदि आपका, तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप मंजिल तक पहुंचोगे जरूर और अपनी मंजिल प्राप्त जरूर करोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें अगर हमारी अच्छी है तो हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दो चीजें अगर हमारी श्रेष्ठ है तो हमें दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता, एक हमारा विचार, एक हमारा व्यवहार। एक विचार और एक व्यवहार, ये दो चीजें श्रेष्ठ हो। अपने विचार को कभी गलत मत होने दो और अपने व्यवहार को कभी गलत मत होने दो। घर में बैठे रहते हैं, परिवार में बैठे रहते हैं तो गलत चीजें सोचने में आती रहती है। क्यों सोचना, हम गलत क्यों सोचें? अगर हमें सोचना है तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचें? हमारे भीतर का जो विचार आएगा वो हमारे सामने प्रकट होगा। हम किसी व्यक्ति के लिए, आप सात ताले में बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, किसी कमरे के अंदर बंद होकर किसी के लिए गलत सोचना चालू कर दो, वो खुद अपने आप आपके लिए गलत सोचना प्रारंभ कर दे। आप अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो वो व्यक्ति आपके लिए गलत सोचेगा, ये पक्का है। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा सोचेगा, ये निश्चित है।